हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाईरिच पे आप अपने पैसे को कैसे बैंक में ले सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को जब भी हाईरिच पे 500 रुपये से ऊपर इनकम वॉलेट में पैसा हो जाता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो और क्या प्रोसेस है पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, छोटा ये वीडियो होने वाला है बहुत। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पैसे को विड्रॉ करना और बैंक में लेना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू आपको अपने मेन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से hireach.net पर लॉगिन कर लेना है। जो आईडी आपका मेन आईडी है उसी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगा, ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा मदर आईडी मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपको क्रिएट मदर आईडी, ठीक है। तो अगर आप लोग बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको जो है अपना मदर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। मदर आईडी क्रिएट करेंगे तभी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। अगर आप 3 आईडी है आपका तो आपको मदर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, अगर 1 आईडी है तो भी आपको मदर आईडी क्रिएट करना ही पड़ेगा। ताकि क्या होता है, 3 आईडी में आपका अलग अलग पैसा होता है और अलग अलग बैंक अकाउंट डालेंगे, अगर अलग अलग जो है पैसा कंपनी पैड करेगी आपको तो उसमें कंपनी को भी थोड़ा कमीशन जो है एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, कंपनी ने मदर आईडी क्रिएट कर दिया कि आईडी आप लोगों का जितना भी रहे लेकिन एक मदर आईडी रहेगा, उस मदर आईडी से आप सभी अकाउंट जितना भी आपका आईडी है उस सारा आईडी का पैसा आप लोग अपने मेन आईडी से, एक ही आईडी से आप लोग पैसे को बैंक में ले सकते हो। तो इसलिए आपको जो है मदर आईडी क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो क्रिएट मदर आईडी पे यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्रिएट मदर आईडी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपको देखने को। मेक दिस आईडी यूजर आईडी एस ए मदर आईडी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ऑरेंज कलर के बॉक्स पे। तो ये बोल रहा है कि आप इसी आईडी को मदर आईडी पे क्रिएट करना चाहते हैं, इसी को आप मदर आईडी बनाना चाहते हैं। तो हाँ, हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इससे आप लोग मेक दिस आईडी ऐसे मदर आईडी पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, मदर आईडी लिखा हुआ रहेगा और आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे अपडेट मदर आईडी, ये कहीं पर भी लिखा हुआ दिख सकता है आपके केस में। तो यहाँ पर अपडेट मदर आईडी पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। अपडेट मदर आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको ओके करना है। उसके बाद दिखेगा अपडेट सक्सेसफुली, फिर ओके करना है आपको। और जैसे आपको यहाँ पर ओके करेंगे आप तो यहाँ पर दिखेगा आपको मेट दिस आईडी ऐसे मदर आईडी सक्सेसफुली। तो आपने यहाँ पर मदर आईडी सक्सेसफुली क्रिएट कर चुका है आपने। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको दिस इज योर मदर आईडी। तो ठीक है, अगर आपका 1 आईडी भी है या 3 आईडी है या 7 आईडी है तो भी आपको यही काम करना है, मदर आईडी आपको क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप पैसे को बैंक में ले सकते हो, कमाए हुए पैसे को आप लोग हाईरिच पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी मदर आईडी को पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे बैंक अकाउंट। तो वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको 3 लाइन पे जाके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा माय प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल और KYC। अगर आपको ये सब करना नहीं आता तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग KYC कैसे कर सकते हैं कंप्लीट, एंड बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं, सारा इस कंप्लीट मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, सेपरेट वीडियो इसके लिए। अगर आपको देखना है ये वीडियो तो आई बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सारा डिटेल्स आप लोग बैंक अकाउंट कैसे कैसे ऐड करना है वो सारा जानकारी आपको उस वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मदर आईडी क्रिएट कर चुके हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर चुके हैं अपन और KYC भी कंप्लीट करने के बाद अब आप लोग एलिजिबल हैं अपने पैसे को बैंक अकाउंट में लेने के लिए। तो उसको कैसे लेना है मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर मदर आईडी मैनेजमेंट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट मदर आईडी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट मदर आईडी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आपको दिखेगा दिस इज योर मदर आईडी और एक्टिवेटेड डेट एंड टाइम दिखेगा आपको कि किस तारीख और समय को आपने यहाँ पर अपनी मदर आईडी क्रिएट की थी, वो समय और तारीख आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड आईडीज आल पेंडिंग डिजिटल इनकम। तो जिन लोग डिजिटल प्लान ज्वाइन कर रखे हैं ये ऑप्शन पहला वाला उन लोगों के लिए है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम पर बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए है कि हम लोग जो चाइल्ड आईडीज है हमारा जो, उससे हम पैसे या मेन आईडी का पैसा जो हम कैसे बैंक में ले सकते हैं हाईरिच से। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पे दिखेगा गेट ऑल चाइल्ड आईडीज इनकम टू दिस आईडी। तो यहाँ ग्रीन कलर के बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रीन कलर के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है गेट ऑल चाइल्ड आईडीज इनकम टू दिस आईडी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप सा विंडो आ जाएगा और ये बोलेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने कमाए हुए जिन जिन आईडियों पे जितना भी पैसा हो वो सारा पैसा आपके मदर आईडी पे मेन आईडी पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओके पे जब जैसे क्लिक करेंगे
तो अब आपका पैसा जो है आपके मेन आईडी मदर आईडी पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उसको देखने के लिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आप जैसे जाएंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिव इनकम वॉलेट। तो एक्टिव इनकम वॉलेट पे आप लोगों को यहाँ पर अपना पैसा जो है देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप लोग मदर आईडी जो जिस आईडी को मदर आईडी बनाएंगे उसी आईडी पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा। बैंक में पैसा लेने का जो ऑप्शन है विड्रॉ का, वो ऑप्शन आपको मदर आईडी पर ही दिखेगा दोस्तों, चाहे आपका एक आईडी हो या तीन आईडी हो या सात आईडी हो, ठीक है। तो जैसे ये इनकम वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो जैसे हम विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे शुरू आपको दिखेगा इनकम विड्रॉ, इनकम इन वॉलेट। तो यहाँ पर इनकम इन वॉलेट में हमारा कितना है, 4680 रुपये है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम विड्रॉ और ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम में आपको जितना रुपये अपने बैंक में चाहिए, आपको ज़रूरत है या जितना आपको निकालना है वो टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर 4680 है तो 4680 ही टाइप करूँगा। 4680 टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं टोटल अपना जो 4600 रुपये मेरा कुछ 4680 रुपये इनकम है अभी, तो उतना मैं 4680 रुपये यहाँ पर मैं विड्रॉ करूँगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिखेगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जब आपने केवाईसी या बैंक अकाउंट ऐड या आप लोग अपनी प्रोफाइल को एडिट किए थे तब आप लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट किए होंगे। अगर आप लोगों को ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं पता तो आप लोगों को आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि आप लोग अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे आप लोग बदल सकते हैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ठीक है। तो जो आप लोग भूल गए हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो मैंने बना चुका है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करके यहाँ पर पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट कर रखा हूँ और मैं यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लिया है और अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इनकम विड्रॉल रिसिप्ट देखने को मिल जाएगा। ये इनकम विड्रॉल रिसिप्ट है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा कि आपके इनकम वॉलेट में अब कितना पैसा बचा हुआ है, कितना रुपये। आपका यहाँ पर मैसेज देखने को मिल जाएगा कि इनकम विड्रॉ कंप्लीट सक्सेसफुली का एक जो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफ़र इनकम कितना हुआ है आपके बैंक में, 4680 रुपये ही आपको बैंक अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने जितना विड्रॉ किए थे टोटल उतना ही विड्रॉ हमारे बैंक में देखने को मिलेगा। और ट्रांजेक्शन आई डी देखने को मिल जाएगा, आपका डेट देखने को मिल जाएगा, बैलेंस इनकम देखने को मिल जाएगा कि कितना आपका hirish.net पर बैलेंस बचा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा, या तो आप लोग जो है hirish.net पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाकर भी ये जानकारी को आप देख सकते हैं दोबारा। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर काम और एक से दो दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अब पूरा जानकारी मिल चुका है कि आप अपने बैंक अकाउंट पर पैसे कैसे ले सकते हो। hirish.net पर जो भी आपका इनकम है, जो भी आपने पैसे कमाए हैं, उसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, कैसे विड्रॉ कर सकते हो, सारा जानकारी मैंने इस वीडियो में दे चुका है। अदरवाइज़ hirish से रिलेटेड कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने hirish का आप लोगों के लिए बना दिया है, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शिकायत है आप लोगों को, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसका जो है सॉल्वेशन या उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।